हेलो एवरीवन सो हर एक यूजीसी नेट ने इस टाइम पर बड़ी शिद्दत से तैयारी कर रहा है अठारह जून को होने वाले यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए और सभी डटे हुए हैं दिमाग में चीजें चल रही हैं कि आज ये रिवीजन हो गई कल ये पढ़ना आज ये टॉपिक्स हो गए कल ये करने हैं है पूरा पढ़ाई का माहौल बना हुआ है एकदम तो जैसे अक्सर मैं बोलती हूँ दुनिया भुला के जस्ट तो स्टडी इन दिनों में है ना तो इन दिनों में अचानक से ये खबर फैलना और ये न्यूज फैलना इस तरह की एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही परेशानी का ये एक काम करेगी ये न्यूज और आई सच में ये चीज मैं एडमिट करती हूँ कि एस्पायरेंट्स पर क्या बीतती है एकदम से ऐसी खबरें जब देखने को मिलती है। तो हम इसके बारे में आज बात करेंगे मैं आपको इस इसपे अपने ओपिनियंस बताऊंगी आप भी अपने ओपिनियंस कमेंट्स में बताना बट बत एक चीज मैं वीडियो की शुरुआत में जरूर कहूंगी कि आप अपने मकसद से डोलिए मत आपकी हार्ड वर्क आपकी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगा आप अपना रिलैक्स होके काम होके हार्ड वर्क जरूर करिए और अट्ठारह के एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर जरूर रखिए बाकी हम आगे बात करते हैं अगर आप नए आए हो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि मेरे पास इसके बारे में और कोई भी जानकारी आएगी तो उस पर भी मैं वीडियोस बनाती रहूंगी लेट्स सी अब ये आज शाम को आ, मेरे पास काफ़ी दो तीन बच्चों के ये आए उन्होंने बताया कि मैम ऐसे खबर फैल रही है कि यूजीसी नेट का एग्जाम लीक हो गया है तो क्या ये सच है ऐसा बच्चे पूछने लगे तो मुझे पहले इसके बारे में नहीं पता था जब स्टूडेंट्स ने भेजा तो मैंने इस पर थोड़ा गौर फरमाया और सर्च वगैरह की और ये सच में न्यूज काफी वायरल हो रही थी सो लेट्स सी इसमें अभी क्या है देखो पहले पढ़ो ये कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स हैं जो ऐसा दावा कर रहे हैं कि हमारे पास यूजीसी नेट का लीक्ड पेपर है और इतने रुपए अगर आप पे करोगे तो हम तुमको वो पेपर दे देंगे क्या कहा जा रहा है इनमें कह रहा है प्राइस me. बता रहा है 1200 ठीक है इसी तरह दूसरा टेलीग्राम है पेपर चार्ज 1000 है पेपर 100% रियल है और यहां पे देखो इसने ये भी लिखा हुआ है कि हमने जेईई एडवांस का पेपर भी लीक किया था और हमारा पास्ट वर्क भी आप देख सकते हैं देखो कितने कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंट तरीके से ये अपनी गलती को ऐसे कबूल कर रहे हैं ना कि मैंने एक गलत काम किया था और अब भी कर रहा हूँ तो ये चीज अब मुद्दे की बात पे ये कि क्या सच है क्या ये झूठ है देखिए मैं आपको अगर पर्सनल ओपिनियन अपने बताऊं तो मुझे ये चीज फेक लग रही है ठीक है तो ये क्या है क्योंकि अभी कुछ रिजल्ट वगैरह पर भी कुछ एग्जाम्स के काफी विवाद चल रहे थे तो कहीं लोग इस चीज़ का फायदा उठा के कि है ना बच्चे तो अभी मान ही लेंगे कि शायद ऐसी गड़बड़ हो सकती है है ना कि अभी पहले नीट के रिजल्ट्स में भी गड़बड़ हुई थी है ना पहले भी ऐसा पेपर लीक की कुछ खबरें सामने आई थी तो ऐसा हो सकता है इस बार भी पेपर लीक सच में हो चुका हो तो हम इनसे खरीद लेते मतलब बच्चों की उन मेंटली सिचुएशन का फायदा उठा के कहीं ऐसा हो सकता है कुछ लोग ऐसे गलत अफवाहें फैला रहे हैं और एक पैसा वसूलने के कारण बटोरने के कारण फ्रॉड फ्रॉड एक्टिविटी कर रहे हैं ठीक है तो ऐसा मुझे जो पर्सनली लगता है मुझे ऐसा लगता है आपको इसको पहले तो ट्रस्ट नहीं करना बिल्कुल भी पैसे वगैरह अपने मत फंसा कर बैठ जाना ये चीज मुझे सही नहीं लग रही झूठ नहीं लग रही ठीक है झूठ लग रही है तो अब दूसरी चीज अगर ये सच में हो अगर सच में पेपर लीक हो गया हो एक चीज समझिए अगर तो ये सचमुच पेपर लीक हुआ है ना तो एनटी ए तक ये खबर अब तक पहुंच गई होगी बिकॉज और भी काफी सारे एजुकेटर्स ने आई थिंक मेल वगैरह किए हैं हम भी मेल करेंगे और इसका ट्विटर पर भी इसका ये पोस्ट हो चुकी है तो अगर तो वाक्य में ही पेपर लीक हुआ है एनटीए इस पर पूरी छानबीन करेगी एनटीए को ऐसा लगेगा तो एनटीए आपका एग्जाम पोस्टपोन करेगी एनटीए गवर्नमेंट एजेंसी है रिस्पॉन्सिबल है भाई हमको उस पर भरोसा तो करना पड़ेगा है ना तो वो एग्जाम पोस्टपोन जरूर करेगी बट अगर ये न्यूज फेक है ये ऐसे कोई बंदे हैं फ्रॉड कर रहे हैं अफवाह फैला रहे हैं

बाकी आपके क्या विचार हैं आप मुझे कमेंट्स पे जरूर बताइएगा बिकॉज अगर ये कहीं ना कहीं सच होता भी है लीक का तो एन इस पर जरूर एक्शन लेगा और आपका एग्जाम पोस्टपोन जरूर होगा ठीक है थैंक यू